हरहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिन को स्वरूप जान रागते वही जो भक्ति काय को नमाई स्तुति को उचारी है। धन धन तिन हिते काज सब आज भए कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। बलभद्र राम इनके संदर्भ में कल हमने यहाँ चर्चा प्रारंभ की है। बहुत सुंदर और मार्मिक चर्चा है रामचंद्र जी के जीवन के संदर्भ में। उनका जीवन बहुत विविधताओं को लिए हुए था। कैसी कैसी घटनाएं रामचंद्र जी के जीवन में बनी। अयोध्या में जन्म हुआ, माता का नाम कौशल्या और पिता का नाम दशरथ था। ज्येष्ठ पुत्र थे पिता के, मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से प्रसिद्ध हुए। बहुत प्रसिद्ध थे, सदाचारी उत्कृष्ट आचरण वाले थे, मंद कषायी, विनम्र, आज्ञाकारी, अनेक प्रकार के गुणों से संपन्न थे। और यही कारण था कि वे नगरजनों के चहेते बन गए थे। कैसा प्रसंग एकदम जीवन में बना, चारों तरफ हर्ष का वातावरण छा गया जब उनके पिता ने स्वयं दीक्षा संन्यास वैराग्य की भावना और रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की घोषणा की। कितना हर्ष का वातावरण होगा चारों तरफ, लेकिन उस हर्ष के वातावरण को शोक में बदलते हुए देर न लगी, क्योंकि दशरथ की ही एक अन्य पत्नी नाम केकई दो वरदान मांग लिए, 14 वर्ष का वनवास और भरत को राज्य। एकदम मानो पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। सुखद समाचार एकदम शोक में बदल गए। चारों तरफ शांति का वातावरण, नगरवासी जो हर्षोल्लासित थे वे खेत खिन्न हो गए। कोई शब्द नहीं, आंखों में आंसू, विवलता, पराधीनता, परतंत्रता, ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं महापुरुषों के जीवन में भी। तो हम कौन हैं हमारे जीवन में यदि इस तरह की परिस्थितियां बने तो। प्रथमानुयोग सदा से ही जगत के जीवों के लिए प्रेरणादायी रहा है। प्रथमानुयोग की कथाएं, कहानियां ये निरंतर हमारे को प्रेरणा देती है, प्रेरित करती है हमारे को कि ऐसी ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियां बन जाने पर भी ज्ञानी धर्मात्मा जीव, अपने स्वभाव का अवलंबन लेने वाले जीव उस परिस्थिति में मस्त रहते हैं। हर परिस्थिति में अपने उदय का विचार करते हैं, क्रमबद्ध का विचार करते हैं, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करें। ये ज्ञानियों के पास में आखिर ऐसी कौन सी कला है। रामचंद्र जी क्षायिक सम्यक दृष्टि थे, आखिर ऐसी कौन सी कला थी रामचंद्र जी के पास जिस कला के होते हुए, जिसके मौजूद रहते हुए वे 14 वर्ष के वनवास के लिए हंसते हंसते निकल गए। पिता की आज्ञा का प्रतिकार नहीं किया, ये आज्ञाकारिता ये रामचंद्र जी के जीवन से दिखती है। एक वाक्य भी ऐसा नहीं कहा कि वचन तो आपने दिया था, मैं क्यों भुगतूं उस बात को। आपने वचन दे दिया तो आप उसको अपने ऊपर लगाओ, आपको जो करना हो सो करो, मैं क्यों जाऊं वनवास। हाँ, राज्य नहीं देना तो मत दो, कोई बात नहीं, वो आपकी मर्जी, राज तिलक किसको करना है, लेकिन आपको ये क्या अधिकार है कि मुझे 14 साल के लिए वनवास दे दिया जाए। ये तो राजा के राज्य में ये अन्याय है बहुत बड़ा।
माने वे ऐसा प्रतिकार नहीं कर सके। आखिर क्या अपराध क्या था, मैं आपसे पूछता हूँ, रामचंद्र जी का गलती क्या थी उनकी, उन्होंने उन्होंने ऐसा क्या अपराध किया था जिस अपराध की सजा उनको 14 वर्ष वनवास में काटनी पड़ी। कुछ तो किया होगा क्या, गलती दशरथ की भुगतना पड़ा रामचंद्र जी को, ऐसी अनिति जैन दर्शन में नहीं होती भाई साहब क्या। जे करम पूरव किए खोटे सहे क्यों नहीं जियरा, भुगतना पड़ेगा तुम्हारे को इस जन्म में ना मिले पर भव में मिलता है, अपने पुण्य और पाप का फल सबको मिलता है। भुगतना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा। रामचंद्र जी जैसे महापुरुष को भुगतना पड़ा तो हम आप हैं कौन। भुगतना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा ये परिस्थितियाँ। ये प्रथमानु युग के प्रसंग न केवल रामचंद्र जी का, ये तो प्रसंग रामचंद्र जी का यहाँ चल रहा है, लेकिन रामचंद्र जी जैसे अनगिनती महापुरुष हुए हैं जिन महापुरुषों का जीवन हमारे लिए प्रेरणादायी है, जिनके जीवन को देख करके वर्तमान परिस्थितियों में समता भाव और शांति रखने की हमारे को प्रेरणा मिलती है। 14 वर्ष का वनवास हो गया उनको, वनवास के दौरान भी शांति कहाँ थी, शांति से काल बीत रहा था। 14 वर्ष पूर्ण होने को थे, 13 वर्ष से अधिक काल बीत चुका था और अचानक एकदम और एक अलग हटके पाप कर्म का उदय आ गया। लक्ष्मण और सीता वनवास में साथ में थे, एक नहीं 3 लोग थे, शांति से जैसे तैसे अपना काल बिता रहे थे, जंगल की लकड़ियां काट करके लाते थे। राजकुमार, सोचो आप, जहाँ जिनका जीवन राजपाट में बीता हो, राजसी ठाटबाट के साथ में बीता हो, अब वे नंगे पांव जंगल में चलते हैं, अब खाने के लिए रोटियों के लिए तरसते हैं, क्या स्थिति होती है। बड़े बड़े राजा महाराजाओं की ऐसी स्थिति हो जाती है। फिर क्या हुआ, सीता का अपहरण किसने किया, रावण। रावण जैसा महापुरुष, ज्ञानी व्यक्ति, समझदार व्यक्ति भी, लेकिन सच ही कहा है जब विनाश काल आता है तो बुद्धि भी विपरीत हो जाती है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, बुद्धि भी खोटी हो जाती है, होनहार जिनकी खोटी होती है दिमाग भी वैसा ही हो जाता है। सत्य बातें समझ में नहीं आती, सत्य समझाने वालों की बातें जचती नहीं है, कहने वाले कहते रहते हैं लेकिन समझ में नहीं आती हमारे को कुछ भी, होनहार जैसी होनहार, भवितव्य के आगे किसी की नहीं चलती है। कुरियात सा भवितव्यता आगतवती तत्र यद्रोचते, पद्मनंदी आचार्य पद्मनंदी पंचविंशतिका में कहते हैं ऐसी पंक्तियां कि इस भवितव्यता को जो बात रुचती है वो भवितव्यता वो काम करके ही रहती है। आप और हम हैं कौन उस भवितव्यता को टालने वाले, टाल ही नहीं सकते। होनहार, भवितव्यता, कर्म का उदय, वस्तु के परिणमन की अपनी योग्यता इत्यादि बातों का विचार करके वे ज्ञानी धर्मात्मा जीव सहज रहते हैं, शांत रहते हैं। देखो अर्धचक्री सम्राट, कोई कमी नहीं, 3 खंड का राजपाट, सम्राट रावण, और बुद्धि फिर गई, अधोगति होनी थी भाई, नरक में जाना था। जिसे मरकर के नरक में जाना हो उस व्यक्ति को यदि ऐसे खोटे भाव नहीं आएंगे तो क्या होगा, सीता का हरण कर लिया। पिछले जन्मों में कुछ न कुछ तो किया ही होगा, स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा फलम यदि लभते शुभाशुभम, परेण दत्तम यदि लभ्यते स्फुटम, स्वयं कृतम कर्म निरर्थकम तदा। अमित गति आचार्य कहते हैं ऐसा, स्वयं के द्वारा किए गए जो कर्म हैं वे निश्चित ही उसे फल देते हैं। सबको अपने अपने कर्मों का फल मिलता है भाई, अपने ही द्वारा किए गए हैं तो उन कर्मों को काटने का कोई उपाय है क्या। कर्मों को काटने का उपाय है स्वभाव का अवलंबन, कर्मों को बदलने का उपाय है कषायों की मंदता, उनके अपकर्षण का, पुण्य के उत्कर्षण का और पाप के अपकर्षण का उपाय है अपना उपयोग अपने स्वभाव के सम्मुख करने का प्रयास, और उस प्रयास की दिशा में स्वाध्याय, संयम, चिंतन, मनन, ये सब उसके प्रयास हैं, ये सब उस दिशा में बढ़ाए जाने वाले कदम हैं। जब कदम इस तरह से बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से पाप कर्म पुण्य में संक्रमित हो जाता है।
बदल जाता है। पुराना किया हुआ पाप कर्म बदल जाता है, पुण्य में बदल जाता है, संक्रमण हो जाता है। पाप कर्म का आकर्षण हो जाता है, पुण्य का उत्कर्षण हो जाता है। ये तो स्वभाव सन्मुखता की रुचि मात्र से ऐसा हो जाता है। जिसकी दृष्टि सच में स्वभाव सन्मुख हो जाती है फिर क्या होगा आप कल्पना नहीं कर सकते। वे कर्म टिक नहीं सकते हैं, कर्मों का अभाव हो जाता है, अरहंत अवस्था की प्राप्ति हो जाती है। देखिए रामचंद्र जी के जीवन में क्या घटा, क्या हुआ, आगे घटना किस तरह से मोड़ लेती है। अभी तो सीता का अपहरण हो गया, लंका में चले गई। देखो फिर क्या हुआ, 42 पेज पर राम और लक्ष्मण ने लंका पर चढ़ाई कर दी। 42 पेज पर देखिए, राम और लक्ष्मण ने सेना सहित, सेना कहां से आ गई उनके पास में, एक तरफ ऐसी प्रतिकूलता, लेकिन जब पुण्य का उदय होता है तो अनुकूलताएं भी आ जाती है, सहयोग करने वाले भी मिल जाते हैं। सड़क पर दुर्घटना हो जाना ये पाप कर्म का उदय, लेकिन तुरंत अनजान अपरिचित व्यक्ति भी सहयोग करने वाले मिल जाना ये पुण्य का उदय। ये पुण्य पाप कर्म का उदय लाइफ में चलता रहता है इसी तरह का। कौन कौन मिल गए, विभीषण, कौन था ये, रावण का भाई। रावण का भाई साथ देने के लिए आ गया, रावण का नहीं भाई के दुश्मन का, रामचंद्र जी का साथ देने के लिए। देखो तो सही, राज दरबार से उसे निकाल दिया गया। विभीषण जैसे समझदार व्यक्तियों ने जब समझदारी की बात कही तो उसका सलाह उनको क्या मिला, देश निकाला, निकाल दिया उसको विभीषण। सुग्रीव, नल, नील, हनुमान, ऐसे अनेक लोग थे जिन लोगों का सहयोग रामचंद्र जी को वनवास के दौरान भी मिला। सीता अपहरण जैसी बहुत बड़ी घटना हो जाने पर ये सहयोग करने वाले भी मिल गए। ये मंडलेश्वर राजा थे, विशेष पद है मंडलेश्वर राजाओं का। तो इन राजाओं ने राम लक्ष्मण का साथ दिया और दुराचारी रावण की जो दुर्गति होनी थी हुई। देखिए यद्यपि यहां उसके लिए दुराचारी शब्द का प्रयोग किया है, क्या माने रावण की ऐसी दशा हुई तो आज तो घर घर में रावण है। अपने चित्त को तलाश करके देखें कहीं छिपा हुआ रावण निकल जाए, ये तो शिक्षा लेने वाली बात है। क्या हुआ, रावण मारा गया, किसके हाथों चर्चा तो यहाँ नहीं की, लेकिन जनागम ये कहता है, पद्म पुराण ये कहता है कि रावण का मरण लक्ष्मण के हाथों हुआ था, रामचंद्र जी के हाथों नहीं। नारायण थे लक्ष्मण और प्रतिनारायण थे रावण। रावण प्रति नारायण, तीन खंड का अधिपति, और लक्ष्मण नारायण। ऐसा नियोग होता है कि नारायण के माध्यम से प्रति नारायण का वध होता है, नारायण के माध्यम से प्रति नारायण को पराजित किया जाता है, परास्त किया जाता है, नारायण के माध्यम से प्रति नारायण की हत्या होती है, मृत्यु होती है। ऐसा ही नियोग, चतुर्थ काल में 9 नारायण हुए हैं, नारायण की संख्या 9। कौन से नारायण की चर्चा चल रही है यहाँ इस प्रसंग में, लक्ष्मण। प्रति नारायण कौन थे इस चर्चा में, रावण। नारायण कितने होते हैं, 9, प्रति नारायण वे भी 9, और रामचंद्र जी कौन थे, बलभद्र। यह भी नियम है कि नारायण के माध्यम से प्रति नारायण की हत्या तो होती है, नारायण और बलदेव भी नियम से भाई होते हैं, बलभद्र। राम बलभद्र थे जैसे कृष्ण और बलदेव, तो इस तरह से जो भी नारायण होंगे उनके भाई बलभद्र होंगे, ये भ्राता होते हैं, यह भी नियम है। प्रति नारायण तीन खंड का अधिपति होता है और उसके मरण उपरांत नारायण तीन खंड का अधिपति हो जाता है, ठीक है। नारायण और प्रति नारायण ये दोनों मरकर के नियम से नरक में जाते हैं, नियम है। और जो बलभद्र होते हैं, जो बलराम होते हैं, जो बलदेव होते हैं, वे नियम से ऊर्ध्व गमन करते हैं। 9 बलदेवों में से 8 मोक्ष गए और 1 स्वर्ग गए,
नौ में से। और किसी महापुरुष की चर्चा आई क्या आपने इस पाठ में? 63 शलाका पुरुषों में, 169 महापुरुषों में कोई और महापुरुष जिसका नाम उल्लेख यहाँ हुआ हो? हनुमान। क्या थे हनुमान? हनुमान कौन थे? कामदेव, सर्वांग सुंदर, वानर वंशी, रावण राक्षस वंशी, राक्षस नहीं था हनुमान जी, वानर वंशी, वानर नहीं थे, सर्वांग सुंदर थे। रूप बिगाड़ दिया गया जगत जनों के माध्यम से। बहुत बलवान थे, बहुत शक्तिशाली थे। 18,000 उनकी रानियां तक कही गई हैं। और मंडलेश्वर राजा थे हनुमान जी, उनके भी जन्म की घटनाएं बड़ी विचित्र हैं। उनके भी जन्म जब वे गर्भ में थे तो उनकी माता को निकाल दिया गया। कैसी कैसी परिस्थितियां महापुरुषों के साथ में बनती हैं। मामा के साथ में विमान में बैठ करके जा रहे थे और गोद में थे, कुछ दिनों पूर्व जन्मे हुए, और उछल करके नीचे गिर गए, विमान से ऊपर से आसमान से नीचे गिर गए। और फिर क्या हुआ? एकदम सब घबरा गए और नीचे उतर करके देखा बच्चा जहां गिरा था, जिस शिला पर गिरा था, वो शिला के चूरे चूरे हो गए और बच्चा मुस्कुरा रहा था, खेल रहा था, हंस रहा था। बोलो कौन था वो बालक? वज्र का अंग था जिस शरीर का, जिसके शरीर वज्र के समान था, वज्र अंग, बली बलवान, ऐसा बलवान। नाम क्या हो गया हनुमान का? वज्र अंग बली, बजरंग बली, बजरंग बली के नाम से वे प्रसिद्ध हो गए, इस नाम से कहे जाने लगे। चलिए कोई बात नहीं, वापस आते हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ? रावण मारा गया, राम लक्ष्मण की विजय हुई। सीता और राम को वापस, सीता राम को वापस प्राप्त हो गई। 14 समाप्त हुए और राम लक्ष्मण अयोध्या वापस आकर राज्य करने लगे। चलो ठीक रहा, संकट टल गया, फिर तो सीता और राम आनंद से भोग भोग भोगते रहे होंगे। क्यों? फिर तो संकट टल गया था ना, फिर तो शांति से लाइफ कट रही होगी। बहुत बड़ा संकट निकट गया हैं, 14 तक वनवास काट करके आई थी और रावण के यहाँ रह करके आई थी, अब तो शांति से रह रहे होंगे। अरे नहीं भाई, देखो भोगों में भी आनंद होता है क्या? तुम क्या बात कर रहे हो, भोग भोगते हुए आनंद से रह रहे होंगे? अरे भोगों में आनंद नहीं है, वे तो सदा विपत्ति के घर कहे गए हैं। भोग विपत्ति के घर हैं, भोग आपत्ति के घर हैं। भोगों में आनंद नहीं है, भोगों में विपत्ति है। अज्ञानी जीव उन्हें संपत्ति मानते हैं। भोग सामग्री संपत्ति जैसी दिखती है लेकिन वो संपत्ति नहीं, वास्तव में विपत्ति है। जब तक आत्मा में मोह राग द्वेष है तब तक संकट ही संकट है, संकट ही संकट है, महासंकट है। सीता और राम कुछ दिन भी शांति से न रह पाए थे कि लोकापवाद के कारण गर्भवती सीता को राम से निर्वासित कर दिया, राम ने निर्वासित कर दिया। भयंकर 8वीं में यदि पुंडरीकपुर का राजा वज्रजंग उसे धर्म बहन बनाकर आश्रय न देता तो क्या होता? क्या हो गया ये क्या घटना घट गई यार, जब क्या घटना घट गई, ये क्या कह दिया इन्होंने बीच बीच में? ये कुछ दिन भी शांति से न रह पाए और लोकापवाद के कारण, ये क्या है लोकापवाद के कारण? गर्भवती सीता को राम ने निर्वासित कर दिया। ये निर्वासित क्या होता है, ये लोकापवाद क्या होता है? जगत में निंदा न हो, जगत में बदनामी ना हो, लोग मेरे ऊपर उंगली ना उठाएं, इस वजह से अपने मान सम्मान की सुरक्षा के लिए किसी के कहने पर, नगर में कहीं किसी प्रसंग पर बात उठ जाने पर, ये कैसा निर्णय ले लिया रामचंद्र जी ने, ये मर्यादा पुरुषोत्तम। पश्चाताप एक खंड काव्य लिखा डॉक्टर हुकमचंद जी भारिल साहब ने, बहुत सुंदर, और 17 की उम्र में लिखा था, 71 की उम्र में प्रकाशित हुआ, और इतना सुंदर वर्णन उसमें। और सिर्फ एक घटना, कौन सी घटना?
कि रामचंद्र जी द्वारा सीता को निर्वासित कर दिया गया। घटना क्या हुई थी, क्या घटना घटी थी? एक धोबी की पत्नी घर से बाहर चले गई और दो चार दिन बाद पुनः लौट करके आई। झगड़ा हुआ होगा आपस में उनका, खूब झगड़ा हुआ होगा, फिर ले दे करके जैसे तैसे करके उस धोबी ने अपनी पत्नी को अपने घर में रख लिया। धोबी ने पत्नी को अपने घर में रख लिया तो लोगों ने धोबी के ऊपर उंगली उठाई और धोबी को जात बाहर कर दिया। जात बाहर करने लगे कि तेरी पत्नी कहीं रह करके आई, ये तूने रख लिया, ये ऐसे अनीति ऐसे कैसे चलेगी, ये तो ये समाज में ऐसी गलत प्रवृत्ति फैलेगी, और उसके बारे में उल्टा सीधा कहने लगे कि तुम गलत काम कर रहे हो। तो धोबी ने अपने बचाव में रामचंद्र जी का नाम लिया कि सीता माता भी तो 6 महीने रावण के रह के आई थी, वो तो अपने बचाव में अपने फेवर में बात कह रहा था, वो तो उसकी क्या गलती थी। उसने तो इतनी बात कही कि रामचंद्र जी ने भी अपने राजा, उन्होंने भी तो 6 महीने सीता वहां रह करके आई थी रावण के यहाँ, उन्होंने भी तो रख लिया, तो ये हमारा मैटर है, ये हमारा फैमिली मैटर है, आप लोग बीच में मत बोलो। और ये बात जब रामचंद्र जी के पास में पहुंची तो उन्हें लगा कि ओहो, समाज में इस प्रकार की दुष्प्रवृत्तियां नहीं फैल जाए, ये क्या होगा, ये गलत है, ये ऐसी परंपरा ठीक नहीं है, कोई भी कहीं भी चले जाए, कहीं भी रह आए और कुछ भी गलत काम, ये ठीक नहीं है ये बात, और अभी बात मेरे ऊपर आएगी। तो मानो उन्होंने क्या किया, सीता को गर्भवती अवस्था में अपने सेनापति के साथ, सेनापति का नाम था कृतांत वक्र सेनापति, उसके साथ भेज दिया। कहाँ भेजा, तीर्थ वंदना के लिए, तीर्थ यात्रा के लिए भेजा था सेनापति के साथ। क्यों भाई, यात्रा करनी है तो पति साथ में नहीं जाएंगे, पत्नी को किसी और के साथ में यात्रा के लिए भेज देवे। लेकिन जो भी होनहार जैसी होनी थी, बीच जंगल में ले जाकर पहले तो कृतांत वक्र ने तीर्थ वंदना कराई, और तीर्थ वंदना कराकर बीच जंगल में ले जाकर रथ रोक दिया और कहा कि बस यहीं उतारने के लिए आदेश है। क्या मतलब, क्या कह रहे हो, ये आदेश है, पेट्रोल खत्म हो गया, कौन सा पुण्य का, पुण्य का पेट्रोल खत्म हो गया, जंगल में उतरना पड़ेगा, क्या बात कर रहे हो। दो चार मिनट जो भी आपस में बातचीत हुई हो, अब देखो सीता की समझदारी है। सीता भी सती थी, सीता भी विद्वान विदुषी थी, माने सीता का व्यक्तित्व भी जगत के जीवों के लिए अनुकरणीय है। यदि रामचंद्र जी की जीवन की ऐसी घटनाएं कि पिता के आज्ञाकारी थे और तुरंत बात को स्वीकार कर लिया, ये बात यदि पुरुषों के लिए आज्ञाकारी है तो सीता का जीवन महिलाओं के लिए भी आदर्श है। प्रतिकार नहीं किया, झगड़ा नहीं किया, विवाद नहीं किया, इसको क्या कहें, जब स्वामी ही नहीं चाहते हैं तो, जब उन्होंने ही छुड़वा दिया तो। गर्भवती अवस्था, भयानक जंगल, चारों तरफ अंधकार, कोई बचाने वाला नहीं, कोई आवाज़ सुनने वाला नहीं, जंगली जानवर इधर उधर घूमते हो, और गर्भ में लव और कुश, दो बच्चे हों, ऐसी दशा में जंगल में छोड़ करके चले जाएं अकेली महिला, क्या करें बोलो। आप उस दुख और उस कष्ट की परिस्थिति की परिकल्पना भी नहीं कर सकते। आप जरा आंख बंद करके 2 मिनट के लिए उस दृश्य को अपने नेत्रों के सामने घुमा करके देखिए, क्या परिस्थिति बनी होगी, और उस परिस्थिति में कुछ प्रतिकार नहीं किया, कोई बात नहीं, एक संदेश जरूर दिया उसने, समझदार सीता ने, अपने कर्म के उदय का विचार किया, अपने पाप कर्म के उदय का विचार किया, अपने वर्तमान क्रमबद्ध परिणमन का विचार किया, वस्तु की स्वतंत्रता का विचार किया, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धरता नहीं है, इन बातों का विचार किया, और ये सारे विचार करने के उपरांत सीता ने कृतांत वक्र को कुछ वाक्य जरूर कहे कि मेरा संदेश भी अपने स्वामी को ले जा करके दे देना। क्या संदेश था, लोकापवाद के कारण जिस तरह से दुनिया के कहने में तुमने अपवाद के कारण, बदनामी के कारण, किसी और के कहने पर बिना मेरी बात सुने हुए, बिना मुझसे चर्चा किए हुए तुमने जिस तरह से मुझे छोड़ दिया, उस तरह से किसी दूसरे के कहने में आकर धर्म को मत छोड़ देना। बोलो ऐसे समय में भी सीता के ये वाक्य, अपने हृदय पर हाथ रख करके सोचना,
ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति अपने साथ में बनने पर कोई व्यक्ति यदि हमारे साथ में अन्याय करे, कोई व्यक्ति यदि हमारे साथ में धोखा देवे, कोई व्यक्ति हमारे ऊपर इल्जाम लगा करके हमारे को निकाल देवे, उसके बावजूद क्या हमारे मन में इस तरह के परिणाम आते हैं? उस व्यक्ति के लिए भगवान उनको सद्बुद्धि दे, कोई बात नहीं, उनका कोई कसूर नहीं है, उनका कोई दोष नहीं है। उनकी क्या गलती है? उदय मेरा खराब है, उनकी क्या गलती है? मैंने पूर्व कर्म में ऐसे पाप किए होंगे जिनका फल मुझे मिल रहा है। अंतराय कर्म का उदय तो दोनों पति पत्नी को एक साथ हुआ है। हाँ, वो अलग जाति का अंतराय कर्म का उदय। आप भोग में अंतराय की बात कर रहे हैं, लेकिन उनके पास तो और भी रानियां थी ना, और भी रानियां थी रामचंद्र जी की, तो और भी पत्नियां थी, राजपाट था, पूरा दरबार था, सब कुछ था। यद्यपि उनके द्वारा ये कदम उठाया जाना भी कोई आसान नहीं था, लेकिन फिर भी जो कुछ भी हुआ हो, सीता की तुलना में रामचंद्र जी की परिस्थितियां बहुत अनुकूल थी। घर में थे, परिवार के साथ में थे, राजपाट था, नौकर चाकर थे, धन था, वैभव था, सब कुछ था, लेकिन सीता के पास में क्या था? क्या ऐसा नहीं हो सकता था? ऐसे प्रश्न उठाए बारिल जी ने वहां उसमें, क्या ऐसा नहीं हो सकता था? अकेला जंगल में छुड़वा देना ही कोई उपाय था? क्या उसे आर्यिकाओं के आश्रम में नहीं भेजा जा सकता था? क्या उसकी व्यवस्था तीर्थ क्षेत्रों पर नहीं की जा सकती थी? क्या उसके आवास और भोजन की व्यवस्था नहीं की जा सकती थी? क्या उसे अपने पिता के घर नहीं भेजा जा सकता था? कुछ भी व्यवस्थाएं हो सकती थी, और अपराधी को डायरेक्ट सजा सुना देना, उसकी सुनना भी नहीं, क्या दो वाक्य सामने से सुनने तक की बात नहीं है? क्या यही न्याय है? इसे न्याय कहते हैं? न्यायाधीश भी एक बार अपराधी को अपने माध्यम से कुछ ना कुछ सफाई देने का मौका देती है। आप कुछ कहो, आपको कुछ कहना है? ठीक है, इसमें सीता का ही चल रहा है शुरू से, जैसे विवाह होकर आई तो जंगल की तरफ आ गई। रामचंद्र जी का भी था, रावण उठा ले गया, तो रावण उठा करके ले गया, तो सीता का ही अंतराय कर्म उदय चल रहा है लगातार। सीता के पाप कर्म का उदय, रामचंद्र जी के भी उदय। उदय से रहित तो कोई नहीं होता, उदय तो सबका चल रहा है, हमारा भी उदय चल रहा है। उदय से रहित कोई संसारी जीव नहीं है, सब संसारी जीवों के संसार दशा में उदय चलता रहता है। हम यहाँ आकर के बैठे हैं, ये भी उदय चल रहा है, प्रवचन सुन रहे हैं, ये भी उदय चल रहा है, खाना खाएंगे, नहाएंगे, धोएंगे, हर समय उदय से रहित बिल्कुल नहीं है। हाँ, जब कोई बहुत बड़ी घटना घट जाती है तो हम उसको विशेष उदय कह करके पुकारते हैं कि विशेष उदय हो गया। देखो परिस्थितियाँ कैसी बन गई, वज्र जंग, राजा धर्म मैन मना लिया उसने, वहाँ मिल गया, उसने आश्रय दे दिया, परिस्थितियाँ फिर बदल गई, कुछ प्रतिकूलताओं में कमी आई। मना कर सकती थी सीता, कृतांत वक्र के साथ में वापस लौट करके आने की जिद कर सकती थी, रथ नहीं छोड़ सकती थी, मैं तो चलूंगी और वहाँ जाकर के उनसे बात करूंगी, ऐसा कैसे कर सकते हैं, ब्याह के लाए थे मेरे को, ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ में, और गलती क्या है मेरी, बात तो बताऊंगी उनको, और फिर नहीं रखना हो तो न रखे, लेकिन चार बात सुना के जरूर आऊंगी, कोर्ट केस भी कर दूं, लेकिन सुनवाई किसके पास में होगी, जब राजा ही अन्यायी हो जाए अब किसके पास में सुनवाई हो। लेकिन कुछ नहीं, कोई प्रतिकार नहीं किया उसने। माने ज्ञानियों का जीवन कितना सहज होता है, कितना शांत होता है, इतने बड़े बड़े संकट उनके ऊपर आ जाते हैं, उसके बावजूद भी उनके जीवन की शांति वो हम सबके लिए कितनी अनुकरणीय है। माने उनका शांत जीवन देख करके हमारा मन करता है कि यार ऐसा होना चाहिए शांत जीवन, क्या बिगड़ गया, अरे लोगों ने निंदा कर दी उससे मेरा क्या बिगड़ गया, मुझे जंगल में छुड़वा दिया गया उससे मेरा क्या बिगड़ गया, मैं तो महलों में रहता था तब भी अपने अनंत गुण संपन्न था, और जब महलों से जंगल में आ गया तब भी शरीर से भिन्न एक चैतन्य तत्व मात्र ही हूँ, क्या फर्क पड़ गया है। उदय बदल जाता है, परिस्थितियां बदलते देर नहीं लगती है, आयु कर्म यदि पूरा होना होगा तो महल में रह करके भी हो जाता है और जंगल में रह करके भी बचाने वाले मिल जाते हैं, बचना होता है तो कहीं भी बच जाता है, और जीवन पूरा होना होता है तो कहीं भी हो जाता है। क्या महलों में जीवन पूरा नहीं होता है? क्या महलों में रहते हुए भी आकुलित व्याकुलित दिखाई देते हैं, और फुटपाथ पर रहने वाले भी मौज मस्ती से रहते हुए दिखाई देते हैं? न धन में सुख है, न संयोगों में सुख है, दृष्टि ज्ञानियों की स्वभाव पर हुआ करती है। संयोगों पर दृष्टि नहीं होती, स्वभाव पर दृष्टि होती है। जिनकी दृष्टि संयोगों पर होती है वे व्यक्ति नियम से दुखी होंगे ही होंगे, उनका अभिमान खंडित होगा, चूर चूर हो जाएगा, वे टूट जाएंगे, क्योंकि दृष्टि पर पे है। जिनकी दृष्टि स्वभाव पर होती है आनंद में रहते हैं, अस्थि की मस्ती में झूमते हैं।
अरे हंसते हंसते मुस्कुराते हुए राजपाट छोड़ करके वन का रास्ता नहीं अपना लेते हैं वीतरागी संत? ये वही तो मार्ग बतला रहे हैं यहां। फिर क्या हुआ वहां जंगल में? एक व्यक्ति ने आश्रय दिया, राजा था, नाम था राजा वज्रजंग, बहन बना लिया, धर्म बहन बन गई। फिर क्या हुआ? पुंडरीकपुर में ही सीता ने लव और कुश दोनों जुड़वा भाइयों को जन्म दिया। लव और कुश का जन्म हुआ, दो पुत्रों का जन्म हुआ। वे दोनों भाई राम लक्ष्मण जैसे ही वीर धीर प्रतापी थे, और राम और लक्ष्मण से भी युद्ध हुआ। क्या धीर वीर प्रतापी? धीर का अर्थ नहीं जानते? सहन करने की सामर्थ्य, वीरता, वीर प्रहार करने की ताकत। आपके पास में ताकत बहुत है, व्यक्तिगत सामर्थ्य क्या दूसरे को पीटने की, वो कहलाती है वीरता। लेकिन धीरता क्या चीज है? धीरता भी ऐसी चीज है कि यदि सामने वाला पीट रहा हो तो आप उसे बर्दाश्त कर सको, ये पावर, ये धीरता कहलाती है। क्योंकि आप में ताकत तो बहुत है, सामने वाले को खूब पीट सकते हो आप, लेकिन इतनी कमजोरी है, धीरता बिल्कुल नहीं है। आपने 10 मारी सामने वाले को, और सामने वाले के एक मारने पर भी आप बर्दाश्त नहीं हो सके, नहीं कर सके, तो क्या होगा? तो वीरता के साथ में धीरता भी चाहिए। वे धीर वीर थे, प्रतापी थे। राम और लक्ष्मण से उनका युद्ध भी हुआ। कौन जीता? कौन जीता होगा? राम लक्ष्मण के साथ में लव और कुश का युद्ध हुआ तो कौन जीता होगा? आर्य हैं? नहीं मालूम है? मैच ड्रॉ हो गया? नहीं भाई, देखो दोनों पक्ष ही अजय रहे। हार जीत का अंतिम निर्णय होने के पूर्व ही उन्हें आपस में पता चल गया कि यह युद्ध तो पिता पुत्र का है, अतः युद्ध स्थल स्नेह सम्मेलन में बदल गया। क्या हो जाता है वास्तव में, एकदम दुनिया बदल जाती है, परिस्थितियां एक क्षण में बदल जाती है। बहुत तेज धूप आ रही थी और एकदम बरसात चालू हो जाती है, ये क्या हुआ? बरसात आते आते एकदम बादल विघटित हो जाते हैं और धूप निकलने लग जाती है। बहुत तेज प्रकाश था और एकदम घना अंधकार छा जाता है, बादल छा जाते हैं। पाप कर्म के उदय चलते चलते एकदम पुण्य का उदय आ जाता है, परिस्थिति बदल गई। पुण्य का उदय चलते चलते एकदम पाप कर्म का उदय आ जाता है। युद्ध क्षेत्र में युद्ध चल रहा है और युद्ध चलते चलते वो युद्ध क्षेत्र, युद्ध स्थल स्नेह सम्मेलन में बदल गया। अरे ये तो मेरे बच्चे हैं, अरे ये तो मेरे पिताजी और चाचा जी हैं। चलो अब तो सीता के दुखों का अंत हुआ। छात्र क्या कह रहा है? अब तो दुखों का अंत हो गया होगा, लव कुछ बड़े हो गए हैं, वापस सम्मेलन हो गया, स्नेह सम्मेलन, आपस में मिल गए, यही हुआ होगा ना? अरे भाई, राग की भूमिका में दुखों का अंत हो ही नहीं सकता। क्या यार, क्या मर्म निकालते, क्या बातें लिखते हैं बोलो। ये प्रथमानुयोग है, ये प्रथमानुयोग की स्टाइल है। मेरा मन था बीच में जीवंधर चरित्र चलाने का, अवसर मिलेगा तो चलाएंगे। इतनी सुंदर चर्चाएं हैं, ये प्रथमानुयोग नहीं है, जनागम के रहस्य भरे हैं इस प्रथमानुयोग में। सारे सार बतलाए हैं, गहराई से वर्णन किया है। राग की भूमिका में दुखों का अंत हो ही नहीं सकता, दुख के अंत का उपाय तो एकमात्र वीतरागता ही है। वीतरागता के बिना सुख नहीं मिलता, वीतरागता के बिना शांति नहीं मिलती। वीतरागता ही एकमात्र सर्व दुखों से मुक्ति का उपाय है, शांति का उपाय है। राग 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 जलाने का काम करती है। यह राग राग दहे सदा ताते समामृत से, नहीं लगता है आपको? ये राग आग जैसी नहीं लगती है, ये जलाने वाली नहीं लगती है, ये पीड़ा नहीं लगती है इसमें? फिर क्या हुआ? हुआ क्या ये तो बतलाओ, घटना तो बतलाओ। राम ने बिना अग्नि परीक्षा के सीता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अब लो कितने सालों बाद भी इतने सालों बाद भी जब दोनों पुत्रों के साथ में सीता का सामना हुआ तो अब रामचंद्र जी भी अड़ गए, बात कह दी कि नहीं नहीं अग्नि परीक्षा होगी, अग्नि परीक्षा होगी। क्या होती है अग्नि परीक्षा? सीता यदि पवित्र है तो वे अग्नि का कुंड बनाया जाएगा,
और अग्नि के कुंड में सीता कूदेगी, अग्नि जलाई जाएगी और यदि वो पवित्र होगी तो अग्नि उसकी पवित्रता का प्रमाण देगी, अग्नि उसकी पवित्रता का प्रमाण देगी और सीता बिना जले हुए उस कुंड से बाहर निकलेगी, और यदि वो जल गई तो इसका मतलब ये है वो अग्नि से पवित्र। अग्नि परीक्षा वास्तव में अग्नि की पवित्रता के लिए, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अग्नि से पवित्र होती है। कई तरह की शुद्धियों की चर्चा की है रत्नकरण श्रावकाचार्य में सदा सुखदास जी ने, बहुत तरह की शुद्धि है, काल शुद्धि, समय शुद्धि, जल शुद्धि, धूम शुद्धि, धुआं से शुद्धि, अग्नि शुद्धि, ऐसे अलग अलग तरह की शुद्धियाँ होती है। कई चीज़ें ऐसी होती है जिन चीज़ों के बारे में मान लिया, कई ऐसे होती हैं जिनको छींटे देने के बाद में शुद्धि, आप दाग में जाकर के आए नहा करके शुद्ध होएंगे, और गर्म कपड़े वूलन कपड़े वगैरह होते हैं तो छींटे देकर के शुद्ध हो जाते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिन चीज़ों को धूप लगा दी तो शुद्ध हो जाती है, कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिनको धुआं लगा दी क्या तो धुआं से शुद्ध हो गई, ऐसे कुछ चीज़ें ऐसी होती है काल बीत गया इतना अब शुद्ध मान लिया गया, चार दिन बाद में, पाँच दिन बाद में ये शुद्ध मान लिया गया। तो ये ऐसे शुद्धि की चर्चाएं हैं, ऐसे अग्नि शुद्धि, कुछ बर्तन ऐसे, कुछ राख से शुद्धि हैं, जल से शुद्धि, ऐसे अलग अलग तरह की शुद्धि की बात है। अग्नि शुद्धि बोले अग्नि में तुम अग्नि से निकलोगी तो अग्नि परीक्षा माने अग्नि शुद्धि, ऐसा समझ लो। फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ अग्नि परीक्षा में, महासती सीता ने अग्नि प्रवेश करके अपनी पवित्रता प्रकट कर दी। भयंकर अग्नि की ज्वाला भी शीतल शांत जल रूप परिणमित हो गई। शील की महिमा से देवों द्वारा यह चमत्कार किया गया। ओ सीता की अग्नि परीक्षा हुई, देवों द्वारा जय जयकार होने लगा, देवों द्वारा पुष्प वृष्टि कर दी गई, अग्नि जल में परिणमित हो गई। देखो सीता के शील की महिमा। प्रथमानुयोग जब बात करता है तो कहता है पुण्य का उदय, देखो आप करणानुयोग बात करता है पुण्य के उदय की, चरणानुयोग बात करता है शील की, प्रथमानुयोग बात करता है देवों द्वारा अग्नि का जल कर दिया गया। अरे विचित्र प्रकार की परिस्थितियां, और उन परमाणुओं की यदि परिस्थिति आप देखोगे तो आप महसूस करेंगे एक एक परमाणु की स्वाधीनता, अग्नि के परमाणुओं की जल रूप परिणमन करने की अपनी योग्यता, क्या चमत्कार था भाई। अग्नि जल में बदल गई, देवों ने पुष्प वृष्टि करना चालू कर दिया, जय जयकार होने लगी, पाप कर्म का उदय पुण्य के उदय में बदल गया, सीता का शील सारे जगत में जय जयकार होने लगी। चारों तरफ भीड़ लगी हुई थी, लोग देख रहे थे, जिस समय सीता की अग्नि परीक्षा होनी थी उस समय सबके चेहरे मुरझाए हुए थे अयोध्या वासियों के, देख सकते हैं आप हमारे यहाँ लगे हुए इस चित्र में, नीचे एक चित्र दिया है, कहीं नहीं है पूरी दुनिया में ऐसा चित्र सीता की अग्नि परीक्षा का जैसा यहाँ बना है। पूरे अयोध्यावासी, चारों तरफ भीड़ लगी हुई है, चारों तरफ लोग खड़े हुए हैं, सीता अग्नि के कुंड में प्रवेश कर रही है, सबके चेहरे मुरझाए हुए हैं, सबके चेहरे पर मायूसी छा रही है, हे रामचंद्र जी ये क्या कर दिया आपने, फिर नई बात लगा दी, अब तो अपना लेते कम से कम, इतने सालों बाद तो फिर नई बात। और जैसे ही अग्नि में कदम रखा अग्नि जल में बदल गई, ये क्या हुआ, अग्नि बुझ गई, अग्नि कुंड जल कुंड में बदल गया, पुष्प वृष्टि होने लगी, जय जयकार होने लगी, चारों तरफ खुशी का माहौल छा गया। ओ अग्नि परीक्षा में सीता सफल हो गई। फिर तो राम ने सीता को स्वीकार कर लिया होगा, अब तो कर लिया होगा ना, बोलो। एक बार ससुर ने वनवास दिया था, दूसरी बार पति ने वनवास दिया, अब तो अच्छी घड़ी आ गई थी। हाँ राम तो सीता को स्वीकार करने को तैयार हो गए थे, पर सीता ने गृहस्थी की आग में जलना स्वीकार नहीं किया। बोलो अग्नि परीक्षा के लिए तो सीता तैयार हो गई, अग्नि की आग में कूदने के लिए तो तैयार हो गई, लेकिन गृहस्थी की आग में जलना उसने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उसने अच्छी तरह जान लिया था भोगों में सुख नहीं है, सुख प्राप्ति का उपाय तो मात्र वितरागी मार्ग ही है। अतः वे आरिका के व्रत धारण कर आत्म साधना में रत हो गई, आरिका बन गई। कहाँ चले गई सीता, हिंदू परंपरा में कहा जाता है कि सीता पृथ्वी फट गई और सीता पृथ्वी में समा गई, लेकिन जैन मान्यता के अनुसार सीता ने दीक्षा ले ली माताजी से, आरिका दीक्षा ली, और जो आरिका थी उनका नाम था पृथ्वीमती।
पृथ्वीमती आर्यिका के समक्ष सीता ने दीक्षा ली, मानो सीता पृथ्वीमती आर्यिका के आश्रम में, उनके समागम में, उनके सानिध्य में समा गई। जनता कहने लगी सीता पृथ्वी में समा गई, आर्यिका धारण कर लिए। और रामचंद्र जी का क्या हुआ, पीछे से इनका क्या हुआ होगा? राम भी कुछ काल बाद संसार की असारता देख वीतरागी साधु हो गए, रामचंद्र जी भी साधु हो गए। और आत्म साधना की चरम स्थिति पर पहुंचकर राग द्वेष का नाश कर पूर्ण ज्ञानी सर्वज्ञ बन गए। रामचंद्र जी ने भी कुछ समय राज्य किया हो तो किया हो, फिर तदुपरांत दीक्षा ले ली, वीतरागी साधु हो गए, दिगंबर साधु हो गए, मुनि बन गए, राजपाट का त्याग कर दिया, आत्म साधना में निमग्न हो गए, अपने स्वभाव में लीन हो गए। और स्वभाव में लीन होकर अल्पकाल में केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली, पूर्ण वीतरागी, पूर्ण सर्वज्ञ, अनंत सुख संपन्न हो गए। रामचंद्र जी का जीवन बड़ा अद्भुत, विचित्रताओं लिए जीवन था, लेकिन कोई बात नहीं, वे भगवान बन गए, वे पूज्य हो गए। यह राम कथा तो बड़ी ही रोचक एवं शिक्षाप्रद है, इसमें तो बहुत आनंद आया, अनेक नई बातें भी समझने को मिली। जरा विस्तार से समझाइए ना गुरु जी। अब और क्या विस्तार से समझाएं भाई, इससे ज़्यादा क्या विस्तार करें हम, इतनी रोचक कथा और इतनी शिक्षाप्रद प्रसंग। रामचंद्र जी के जीवन भी हमारे लिए अनुकरणीय आदर्श, उनके जीवन की घटनाएं भी हमारे लिए बहुत प्रेरणादायी, और सीता का जीवन भी हमारे लिए अत्यंत प्रेरणादायी, प्रेरणा देने वाला। तो लोग पूछते हैं आप मस्तक क्यों नहीं झुकाते हो, आप नमस्कार क्यों नहीं करते हो, आप पूछते क्यों नहीं हो? तो फिर हम क्या कहते हैं, हम भगवान राम के उपासक हैं, हम राजा राम के नहीं। बस हमारा मस्तक राजा के शरण में नहीं झुकता। अरे राजा राम की बात नहीं करते हैं हम, तो राजा ऋषभदेव की भी बात करते हैं। ऋषभदेव भी तीर्थंकर, पहले तीर्थंकर ऋषभदेव आदिनाथ तीर्थंकर होने वाले, जब राज्य अवस्था में थे, जब वे राजा थे, तो हमारा मस्तक राजा के कदमों में नहीं झुकता। जब ऋषभदेव ने दीक्षा ले ली, जब वे मुनि बन गए, जब वे तीर्थंकर बन गए, जब वे केवल ज्ञानी वीतरागी और सर्वज्ञ हो गए, तो हमारा मस्तक उनके चरणों में अवश्य झुकता है। हम तो वीतरागता के उपासक हैं, वंदे तद्गुण लब्धये, हम तो वंदना करते हैं उनके गुणों की प्राप्ति के लिए, हम तो वंदना करते हैं उन जैसा बनने के लिए। हमारी वंदना उन जैसा बनने के लिए है, इसलिए हमारा मस्तक झुकता है, इसलिए वे हमारे लिए आदर्श हैं, क्योंकि उन्होंने सब कुछ त्याग किया। ये जैन परंपरा का मार्ग भोग का नहीं, त्याग का मार्ग है, ये राग का नहीं, वितरागता का मार्ग है। विस्तार से सुनने का समय यहाँ कहाँ है, समय तो हो चला अपना। यदि विस्तार से जानना चाहते हो तो तुम्हें रवि शेणाचार्य द्वारा लिखित पद्म पुराण का स्वाध्याय करना चाहिए। आखिर सीता के साथ में ऐसी परिस्थितियां कैसे बनी, आखिर रामचंद्र जी के साथ में राज्याभिषेक होते होते वनवास क्यों हो गया, आपको सब बातों का जवाब मिलेगा, सारे कारण मिलेंगे, सारी परिस्थितियां, पूर्व जन्मों की कथाएं मिलेगी, कहानियां मिलेगी, क्या क्या घटित हुआ उनके साथ में। लेकिन भाई हम पढ़ तो लेंगे पद्म पुराण, वह तो संस्कृत में होगा ना? हाँ, मूल तो वे संस्कृत भाषा में ही हैं, पर पंडित दौलत राम जी कासलीवाल ने उसका हिंदी अनुवाद भी कर दिया है, लगभग 200 साल पहले बहुत सुंदर उसका अनुवाद भी दौलत राम जी कासलीवाल द्वारा कर दिया गया है। वे कहाँ मिलेगा? अरे मंदिर में, भारतवर्ष के प्रत्येक जैन मंदिर में पद्म पुराण पाया जाता है, और उसे अनेक लोग प्रतिदिन पढ़ते भी हैं। तुम यदि पढ़ना चाहो तो तुम्हारे को पद्म पुराण यहाँ भी मिलेगा, और इतना ही नहीं, PDF चाहो तो वो भी सर्वत्र इंटरनेट पर, साइट पर, सब जगह पर उपलब्ध होगी। हम सभी रामचंद्र जी के इस प्रकार के जीवन को देखकर अपना जीवन उन जैसा बनाएं। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी थे, माने उनका मर्यादा पुरुषोत्तमपना इस मर्यादा को भी बतलाता है कि वस्तु भी स्वचतुष्ट रूप अपनी मर्यादा में रहती है, मर्यादा का उल्लंघन या आत्म राम कभी भी नहीं करता। इसलिए वास्तव में प्रत्येक आत्मा राम है, प्रत्येक आत्मा अपनी मर्यादा का उल्लंघन न करने वाली होने से मर्यादा पुरुषोत्तम है। हम अरहंत राम के भी उपासक हैं, लेकिन असली आराधना तो आत्म राम की ही करते हैं। हम सभी आत्म राम की आराधना पूर्वक
अपने आत्म राम को जानकर पहचान कर और आत्म राम में ही समाकर रामचंद्र जी के समान ही अल्पकाल में अरहंत और सिद्ध अवस्था की प्राप्ति करें। इसी भावना से मैं बात को यहीं